मैनपुरी में आज आधा सैकड़ा बीडीसी सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर ब्लॉक प्रमुख के खिलाफ प्रदर्शन किया। सदस्यों का आरोप था कि विकास खंड कुराबली के ब्लॉक प्रमुख क्षेत्रीय बीडीसी सदस्यों के क्षेत्र में विकास कार्य नहीं कर रहे। आक्रोशित बीडीसी सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव किया। घेराव के समय बीडीसी सदस्यों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपते हुए अविश्वास प्रस्ताव की बात कहते हुए 50 सदस्यों को शपथ पत्र पेश करते हुए ब्लॉक प्रमुख के अधिकारी सीज कराने की बात कही है। पूरे मामले के अनुसार जनपद मैनपुरी के विकास खंड कुराबली के प्रमुख अरुण लता दिवाकर पर क्षेत्र के 50 बीडीसी सदस्यों ने आरोप लगाया है कि ब्लॉक प्रमुख के खाऊ कमाऊ के चलते केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा विकास के लिए भेजी गई धनराशि द्वारा कहीं पर कोई भी विकास नहीं कराया जा रहा है और विकास नीति का दुरुपयोग किया जा रहा है। बीडीसी सदस्यों ने आरोप लगाया है कि ब्लॉक प्रमुख अरुण लता विकास कार्य कराने में सक्षम नहीं है और समस्त बीडीसी सदस्यों को उन पर विश्वास नहीं है। सदस्यों ने जिलाधिकारी कार्यालय का घेराव करते हुए ब्लॉक प्रमुख के विरोध में 50 सदस्यों द्वारा किया गया विश्वास प्रस्ताव भी जिलाधिकारी को दिया है। मैनपुरी से दीपक शर्मा की रिपोर्ट, SKH न्यूज। क्या मामला है आज आप लोग यहाँ पे आए हो? कोई भी किसी ने काम नहीं करवाया है, ना काम किया है, ना कोई मीटिंग की है, तो फिर काम नहीं मिलेगा, पैसे भी दिए। किसके खिलाफ आप लोग यहाँ पे आए? ब्लॉक के खिलाफ। क्या नाम है? अरुण लता। अच्छा, कितने कितने मेंबर आपके साथ हैं? बीडीसी सदस्य कितने हैं आपके साथ? 50 50 हैं।